अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो जी, जैसा कि आप सबको पता है, भाइयों की शादी जो करीब है, तो हम जा रहे हैं घर देखने जिसमें वो रहेंगे। मूवी बना के ले गई होते ये जो है भाभी का संदूक आ गया है। ये अलमारी किसकी है? ये किसी की अलमारी है। वॉशरूम, किचन, एक कमरा उधर है, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। यहाँ पर जो है सेवर मैंने लगा दिया है, सेवर नहीं था फिलहाल। और ये जो फर्नीचर है, इसकी साइड टेबल है, ये टब वगैरह सारा भाभी का सामान यहाँ पर आ गया है। हेलो खदीजा, कमरा जब इनका सेट होगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये कमरा इनका है, भाभी का। अभी यहाँ पर भी सेवर लगेगा, मैं स्टूल लाती हूँ, चढ़कर लगाती हूँ। बाकी जो रात में भाई वगैरह आएंगे, कमरा सेट करेंगे। यहाँ पर भी मैंने सेवर लगा दिया है और अब जो है मैं अम्मी के रूम में जाती हूँ। सेवर देखो यहाँ पर भी हटना, ये अभी अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर भी मुझे सेवर लगाना है। ये देखें पूरा चौक दिख रहा है, यहाँ से बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। ये चौक भी दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ये जो भाभी का सामान हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं अलमारी में, उनकी बहुत मसरूफ याद है। ये कुरान पाक का ज़रा काफ़ी मैंने रख दिया है अलमारी में, अभी ये रखा है। और ये भाई के सूट हैं, ये भाई के सूट सारे, और बाकी का तो मैंने काफ़ी सामान जो है रख दिया है। ये भी रख दो उधर ही रखना भाई। अच्छा, इसमें भाभी के पर्स वगैरह हैं, कुछ सामान है, हैंगर भी हैं। ये हैंगर आ गए ना, वो सारे कपड़े जो है हैंग कर दो। जो ये पर्स वगैरह हैं इसमें, चलें जी इसको भी अब सेट करते हैं। एक भाभी का सामान आया है, बड़ी भाभी का, ठीक है। अभी छोटी का आना बाकी है। और ये इसमें बॉक्स में देख लो क्या है। अच्छा, ये पंखा है। चलो इसको सेट कर देते हैं, चलो जल्दी लाइट ना। अच्छा, ये डस्टबिन है, ये कुरान का वो है। और अब ये पर्स अलमारी में, इसमें कुरान शरीफ का है। ये पर्स रख दो, चूड़ियों का बॉक्स है। हाँ चलो सही। अच्छा, ये सही सामान है ना। कैचर्स वगैरह हैं, पेंस वगैरह, कैचर्स वगैरह, सही। हाँ मुन्नी उठ गई, ये लेना चाहे मुन्नी, वो छोड़ के आगे जाओ, बॉक्स ला रहे हो। निशान रख के उसके पास जाओ, जाओ निशान, गिर जाएगी। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, ये चूड़ियाँ वगैरह है, क्लच वगैरह है। चूड़ियाँ, अच्छे सैंडल वगैरह होंगी। ये बस सारी सैंडल वगैरह, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें।
रख देती हूँ सारा सामान। लाए मुझे देती रहे, जो ले ली लाओ। ये सब नजर आए लाओ। इसमें चूड़ियाँ और सेट वगैरह है। इसमें क्या है, इसमें क्या है? अच्छा जी, इसमें स्टील का थोड़ा सा सामान है, प्लेटें वगैरह हैं, परात छलने वाले। सही चलें जी, यम्मी सेट करेंगे। संदूक को खोलने लगे हैं। ये भाभी सामान लाइए, देखते हैं अब कहाँ कौन सा सामान सेट करना है। ये जवीरिया का टीथ ब्रश है, इससे जवीरिया दांत साफ करेगी। भाभी के डिवाइडर में हम सजा देते हैं सामान भाभी का। अच्छा, जो इस भाई का कमरा है बिल्कुल खाली हो गया है, अब बस इसमें फर्नीचर आएगा। और ये जितना हो सकता था हम लेडीज ने कर दिया है, बाकी भाई वगैरह करेंगे आकर, क्योंकि ये बेड जो है ना सेट करना ये जेंट्स ही कर सकते हैं, लड़कियों की बस की बात नहीं है, लेडीज़ की बस की बात नहीं है। जी तो जनाब, थक हार के गई मैं अम्मी के घर। अब हम अम्मी के घर जा रहे हैं, उसके बाद जो है अम्मी के घर से हम जा रही हूँ, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। हसन जो है लेने आ गए थे, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। रास्ते में हूँ, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, अगले दिन फिर आ गए हैं रूम की सेटिंग करने। काफ़ी जो है सामान हमें सेट करना था, अधूरा रह गया था काम, फिर से आ गए हैं। भाई मेरे मोबाइल की टॉर्च नहीं जल रही है। अच्छा जी, कलर वगैरह हम इसमें इसलिए नहीं करवाने क्योंकि हमें यहाँ पर जो है फ़िलहाल रहना है कुछ महीने, वरना अम्मी और का जो है अपना घर बन रहा है उसमें जाएंगे सब बाद में। फ़िलहाल आरजी जो है हमने ये घर लिया है, फिर 5-6 महीने बाद हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। कुछ ऐसा लगता है यहाँ का, वो देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, आज का वेदर ठंडा ठंडा, और ये यहाँ पर घर बना हुआ है साथ में, और वो आसमान कितना प्यारा लग रहा है। वो देखें सामने ना वाइट बादल, वो सामने के है ना, कितने प्यारे तो लग रहे हैं, देखो कैमरे में बहुत प्यारा लग रहा है। चलें जी, अभी सेटिंग होना बाकी है, और ये अम्मी के रूम का वॉशरूम है। आप लोग कहेंगे क्या दिखा रही हूँ, ये भी देख लें। हाय हाय हाय, गंदा हो रहा है, अभी सफाई की ज़रूरत है। यहाँ पर पंखा लगना है, सेवर लगने हैं, सारा काम यहाँ पर भी है जनाब। ये नेक्स्ट डे है, और अभी तक जो मैं कल यहाँ पर छोड़ कर गई थी वैसा का वैसा यहाँ का सारा रूम है। अभी डिवाइडर में हमने बर्तन वर्तन भी नहीं लगाए थे भाभी के, और ये देखें इसका जो है ना गद्दा है। और अभी भाई आने पर ही है, बस वो ये सेट कर देते, तो मैं आपको पूरा रूम जो है ना फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी मैं आपको। मुझे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई है, कोई है, लगता है वही है। मैं बिल्कुल सही गैस कर रही हूँ, भाई वगैरह आ गए। वो चलते चलाते शोर धूम धड़क्का करते हुए, ये देखें
और मैंने सही गेस किया था, यही लोग हैं। रुक मैं उधर जाऊँ। और ये देखें, अरे मेरा मूशा कितना रो रहा था मेरे जाने पर, मेरा हीरो। और ये देखें, ये सुफियान खाने को कुछ ले ही आते, भूख लग रही है हमें। ये तो मूसा के लिए पापड़ शापड़ है ना। अरे इतनी सारी चीज़ें, इससे तो मम्मा का भी पेट भर जाएगा। थैंक यू। और आप बताएं, आप क्या काम स्टार्ट कर रहे हैं? हम वो वैसे ही सारी सेटिंग से रखा हुआ है, बस लगा दो। चले जी, ये सुफियान है और जो रूम सेट हुआ है वो सलमान है, ठीक है। वो इससे बड़ा है, उसका रूम सेट हो रहा है। लाइट की झपझप कर रही है, नया घर और ये झपझप झप 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 कम आ रहा है पावर, तो बंद कर दो ये सेवर। मुझे कल आए हो, कल आए हो मुझे जाते। अरे छालियाँ लिख क्यों गए, छालियाँ नहीं खाते बच्चे। ला मुझे तो खिलाओ, क्या मम्मा को क्या दोगे, मम्मा को क्या दोगे? अम्मी नमाज पढ़नी है। छाले दो, छाली दो, छाले दो, मुझे चिप्स दे दो, मुझे भूख लगी है। मुझे पापड़ दो मूसा, हाँ मुझे भूख लगी है ना। थैंक यू। चलो जी, यप्पी, मूसा ने मुझे दे दिया है कौन सा लंच बॉक्स। थैंक यू मूसा। और यहाँ जो है मैंने मूसा को ज़बरदस्ती घर भेज दिया। मैंने कहा तुम लोग तो बाइक पर जाओगे, हम लोग जो हैं ऐसे ही आ जाएंगे पहिया पहिया, क्योंकि घर जो है जो जिसमें अभी हैं अम्मी और वो बहुत करीब है। जो है कपड़े हैं जो देते हैं भाभियों को, नंदों को, तो यही मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। ये देखिए, ये उन्होंने नाम लिख दिए हैं इस पर जिसका जो सूट है। ये भाइयों के हैं, बड़ी है, देखे कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। लेकिन ये बेड के सामने ज़्यादा अच्छी लगती। अब जो है मैं ये बेड शीट बिछाने लगी हूँ यहाँ पर, ये वाली। और ये बेड में जो है ना अभी लाइट नहीं है, और इसमें लाइट भी चलती है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब लाइट आएगी। तो तो जी फाइनली जो है रूम सेट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि रूम की सेटिंग कुछ इस तरह हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप लोग भी देखें, ये यहाँ पर अलमारी, सामने डिवाइडर, फिर जो है सामने ड्रेसिंग भी है, ये देखें। और बेड भी जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है सेट होने के बाद, आप लोग भी देखिए। तो ये था मेरा एक भाभी का व्लॉग, जो कि बड़ी है और मुझसे बड़ी नहीं है, मुझसे तो छोटी है। लेकिन जो है अब एक और भाभी का भी आएगा अभी सामान, उनका भी रूम सेट करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो आज का मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।